ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना, पता है आपको? और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करें? गवर्नमेंट से, सुन लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना। और सुन लीजिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। पहले नहीं बचता था, पहले नहीं बचता था मोदी का, राहुल का बचता था पहले। अब ये अभी ना आप गिनाता हूँ, सुनते रहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 1966 पता है आपको क्या था? बताइए ना, इन्हें कुछ नहीं पता, सभी कुछ मैं ही बता दूंगा आपको। आप मोदी जी की चाटुकारिता ही करेंगी। बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अनपढ़। अब मैं आपको सवाल का जवाब, 56 इंची वाले जो सबसे बड़े ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर ब्लॉगर जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो पता ही नहीं चलता कि आज अमेरिका है, कल मिस्र की मस्जिद में गए। लेकिन आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग मोहित शर्मा को मोहित खान बताते थे सिर्फ इसलिए कि हम लोग देश के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग लोगों को जोड़ने की बात करते हैं उन तमाम लोगों की कंपैरिजन ये लोग मुसलमानों से कर देते हैं, तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी के नाम के पीछे भी ये कोई खान, पठान, शेख या सैयद लगाएंगे क्या? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए हैं और इतने मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहां पर भी मौजूद थे मिस्र में, तो ये क्या है, ये प्रोपोगंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो आपने देखी होगी, एक वीडियो जो मोदी मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ में वायरल कर रही है, जिसमें एक जो सिंगर जो है वो हमारे देश का राष्ट्रगान गाती है, बहुत अच्छी बात है, भारत देश का राष्ट्रगान गाती है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के पैर छूती है, देखी होगी आपने वो सभी वीडियो। उसके बाद में मोदी मीडिया उसको लगातार ट्रेंड कर रही है। भैया मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप उसके 5 गाने दिखा दीजिए, वो सिंगर है ना, 5 गाने दिखा दीजिए उसकी। उसकी हकीकत ये है कि वो ट्रंप की पार्टी में मेंबर है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये है उसकी हकीकत, आप समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा, दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी है, आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस हैं, मैं तो गलत नहीं। हाँ जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी फिर ऐसे कैसे बयान दिए? क्या बयान दिया बताइए? राहुल गांधी जी को आप ये कह रहे ना कि वो ब्लॉगर है। अरे मेरी बात, मेरे को आप ये बताइए, आलू सोना कहाँ से पत्रकारिता की आपने? आप बताइए ना, आपने स्टेटमेंट सुना है वो? स्टेटमेंट सुना है वो स्टेटमेंट किसका था? आप वो आप बताइए, स्टेटमेंट किसका था? वो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है, ठीक है, सुना है आपने पूरा स्टेटमेंट? बताइए क्या था स्टेटमेंट पूरा? अरे आपने बात करी आलू से सोना, आलू से सोने वाली बात करेंगे? वो डबल एम एम फिल आदमी है, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एम ए नहीं करी, जिसको यही ना पता हो? नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, जिसको अब एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, हार का और जीत का पढ़े लिखे से और अनपढ़ से क्या कनेक्शन? मोदी जी तो किससे? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं? लॉ पढ़ाए आपने? इंडियन लॉ पढ़ाए? अरे मैं क्या बोलता हूँ आपको, इंडियन लॉ पढ़ाए आपने? इंडियन लॉ पढ़ाए आपने? क्या लिखा उसमें कानून के अंदर? कानून में लिखा है कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि जो उसका जो चुनाव जो लड़ने वाले व्यक्ति है कितना पढ़ा लिखा है। आप देश के कानून का अपमान करेंगी? आपको पता है? सुन लीजिए, अरे सुन, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था, फैसला सुनाते हुए उसने बोला था कि एक कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी डिग्री को छुपाने का काम किया था, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी थी। पता है आपको? ये नहीं पता था? पता है नहीं पता? बोली बोली क्या होता? पता है नहीं पता? नहीं पता तो मना करिए, मैं समझा दूंगा। मैं आप जैसे बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ जो पढ़ के घर से आते नहीं है, मोदी जी का नाम सुनती बौखलाहट उठती है उनको। राहुल गांधी जी पढ़ के आते हैं? राहुल गांधी जी विपक्ष में है या सत्ता में है बताइए? सवाल ही पूछ सकते किससे? अब एक बात मुझे, एक मिनट, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, सत्ता पक्ष से सवाल करेंगी? किसमें? आपसे तो मंदिर भी नहीं बना। कहां से? मोदी जी ने मंदिर बनाया है ये भाई बताएंगे? ये पत्रकार बता रही है मोदी जी ने मंदिर बनाया है, मोदी जी ने बनाया मंदिर, मतलब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मंदिर का पैसा तो मोदी जी ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है, और आप कह रही हैं कि मंदिर बनाया? आपको भी इतना पता होगा, आप इतनी जगह बोलते हैं, आपको इतना पता होगा शायद उस सरकार होती उसके अधीन ही काम हो रहा है, तो सरकार को ही हम बोलेंगे। अच्छा 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 सर, एक मिनट, सिलेंडर तो वो क्या सीधा मोदी बढ़वा रहे? ये भी हम कहते हैं, जब कुछ गलत होता है तो सीधे मोदी को हम टारगेट। अरे एक मिनट, अच्छा होता तब तो नहीं बोलते मैडम। कहाँ से पत्रकारिता करिए? इतनी ऐतिहासिक, अरे इतनी ऐतिहासिक पत्र, नहीं इतनी ऐतिहासिक पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है, इतना ऐतिहासिक पत्रकार। एक बात मुझे बताइए, जो फैसला, अरे सवाल का जवाब ये सुन लीजिए, ये सुबह सुबह व्हाट्सएप चलाती हैं आप, व्हाट्सएप पे ये ज्ञान आता है, सुन लीजिए अब इसका जवाब सुनिए। ये इतनी ऐतिहासिक पत्रकार हैं, ये मैडम बता रही हैं, एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में चल रहा था, सिलेंडर का फैसला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ठीक है ना? जो सिलेंडर का फैसला, सिलेंडर कौन बढ़ाता है, किसके ऊपर होती है, ये मुझे बताइए, तो देश की जीडीपी होती है, ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं पूछ रही हूं, मैं बोल रही हूं, हां सरकार के ऊपर होती है, लेकिन जब कोई अच्छा चीज करते हैं तब आप क्यों नहीं करते? क्या अच्छा चीज क्या है बताइए? तो आप बताइए, आप जो कहने क्या काम किया? मैं नरेंद्र मोदी नहीं आई हूं, मैं आपसे सवाल पूछ, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप सुन, अरे सुन तो लीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पहले आपको बता दूं, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए।
आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में, दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा बताइए? हूँ क्या जम्मू देश का हिस्सा नहीं है? किसने के लोगों को नहीं प्रभाव? अब जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहा जम्मू में? क्या नहीं हो रहा जम्मू में? आप ही तो बता रही है, तो आप बता तो दीजिए मोदी जी के पांच काम। अरे पांच काम बता दीजिए। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370। अरे सुन लीजिए, आप ही ने बताया कि राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। मेरे को तब तक ये पता था कि कोर्ट ने बनाया राम मंदिर। मैं पहली बार आपके मुंह से सुना। बहुत सारे काम है जो आपके टाइम में हुए, हम कह सकते हैं कोर्ट में। फिर किस बात की? हाँ बताइए, हाँ बताइए कौन से काम है बताइए। आपकी नवाई ऐसे कौन? अरे ये लो, ये व्हाट्सएप पे सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे जितना आता है मुझे पता है उतना ही पढ़ के आती है। यहाँ से अरे सुन लीजिए। अरे आप मेरे से इंटरव्यू, आप सुन लीजिए। अरे आप प्रश्न, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। आपको पता है नहीं पत्रकारिता में स्थान क्या आपका? अरे तो आप नहीं, तो आप मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? आप मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से करिए ना कि मैं आपके, आप मेरे से क्यों सवाल का जवाब देंगी? आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना? पता है आपको है? 142 और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे मत बताइए कब पढ़ा था आपने 142 है? आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं? और अब सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ जो आपने पत्रकारिता करके आई है ना। अरे सुनना ही चाहती है, इतना कुछ किया है। आप एक काम करिए, आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लेंगे ना, वो भी बिल्कुल बहुत खुश होगा, क्योंकि वो भी आप, क्योंकि आप जितनी तारीफ मोदी जी की कर रही है ना, आप सुनना ही नहीं पसंद नहीं कर रही, आप सुनना ही नहीं पसंद कर रही। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकली है ना, वो स्कूल भी पिछली सरकारों ने बनाया। पर्सनली नहीं, आप पूछना चाहिए, आपको काम गिना रहा हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले वो भी पिछली सरकार ने बनाया। जिस कॉलेज से आपने मास कॉम जर्नलिज्म किया वो भी पिछली सरकारों ने बनाया। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ वो अस्पताल भी पिछली सरकारों ने बनाया। अच्छा हाँ, मोदी जी ने क्या बना दिया 9 साल से? आप कह रही हो ना, कि आजादी के बाद आपको दिया, आपको भी तो 9 साल दे दिया। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही कह रही हूँ, गलत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना, महंगाई बेरोजगारी वो कर रहे हैं, यही ना। अच्छा। जब आपको दिया गया था आपने अच्छी चीज की, आपने गलत चीज की। मोदी जी के पास वो अच्छी चीज करे, वो गलत चीज करे। हाँ तो मतलब वो गलत चीज करे तो हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? सवाल तो पूछ रहे आपसे, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया शौचालय? उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने, जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। अरे मैडम मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप कह रहे हैं ना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी ने किया क्या है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप नहीं जवाब तो आपके पास तो मना कर दीजिए, वरना गिनाइए मोदी जी ने क्या पांच काम किए बताइए। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। अच्छा आपकी बात सुने? हाँ तो मेरी बात सुने तो बात सुनेंगे तभी तो, मैं तो आपको जवाब ही दे रहा था। आप तो हाँ हाँ अच्छे दिन चल तो रहे हैं, आप इन्हें देख रहे, मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिरबिला उठते हैं कि जैसे मोदी जी से नहीं इनके घर वालों से सवाल कर रहे हैं। अरे भाई आप कैसी बात करें, फालतू बकवास, किस तरीके की बात है? मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहा हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, सुन लीजिए। आप नहीं बताएंगे मुझे गवर्नमेंट से, सुन लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना? और सुन लीजिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है ना? मैं नहीं चिल्ला रहा, मेरी तो नॉर्मल आवाज है, सबको पता, रोज सुनते सब। हाँ लोग क्यों नहीं आपकी बात समझ पाते? अच्छा एक मिनट, लोग नहीं समझ रहे। कर्नाटक में जीत गई बीजेपी, एक मिनट, कितनी जगह बीजेपी बहुमत में, जरा बताइए, गिनाइए। आप कह रहे हैं लोग नहीं समझ रहे, गिनाइए कितनी जगह बीजेपी बहुमत में। ये लीजिए, अब जहाँ मोदी जी हार जाते हैं वहाँ ये कहते हैं कि विधानसभा की बात ही नहीं हो रही है। अभी कर्नाटक जीत जाते तो कहते विधानसभा की बात हो रही है, कैसी बात कर रही हैं आप? अभी 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 चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का है? पहले विधानसभा का है तो फिर नहीं, लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा पे जो सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, उसके बाद भी आप किसको देख रहे हैं? किसके? एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, मेरे को एक बात आप बताइए, पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, क्या किसी पे काबिलियत भरे नेता नहीं है? क्या कांग्रेस में नहीं है जिसको सबका साथ लेने की जरूरत है? किसको? महागठबंधन करने की जरूरत है। अच्छा तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं, जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ गए? एक मिनट, किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? नहीं कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है, ठीक है? आप मेरे को नहीं बताएंगी तो आपको क्या तकलीफ? अभी तो कहने की मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रही, अब मैं मोदी जी को बोलता तकलीफ आपको होती है? राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलते हैं, इतने ही प्रमुखता से बोलते हैं। अच्छा मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, सरकार की गोद बोला है? अच्छा ऑन रिकॉर्ड है, सरकार अब बोल दिया? हाँ तो बोल दिया, महबूबा मुफ्ती की गोद में गए, सरकार बनाने के लिए गए, और बताइए अब सरकार कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती गोद, तो सरकार बनाने तो जाएंगे,
सरकार बनानी तो जाएंगे और किस लिए जाएंगे? हाँ तो मैंने बोला, अरे मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए, मैंने बोला सरकार बनाने के लिए गए किस लिए गए, और सरकार बनाने के लिए गए किस लिए गए, किस लिए जाएंगे? और ये लीजिए, अब ये लीजिए, हाँ तो आप बता दीजिए, आप बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, आप मुझे, आप कह रही है ना कि क्या कहते हैं विपक्षी दल, क्यों विपक्षी दल एक ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो विपक्षी दल एक, आपसे पूछ के होगा, आप सलाहकार हैं विपक्ष के, आप राहुल गांधी के सलाहकार हैं, आपको जब जानना होता है तो आप पूरे कानून गिना देते हैं। हाँ तो आप ही गिनाइए ना कानून, कानून गिनाने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, कानून गिनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आप भी तो गिना दीजिए, अरे आप भी तो गिना दीजिए, अरे बता तो दीजिए आप मुझे, एक आध कानून आप भी गिना दीजिए, विदेश में जाके जनता नहीं बच रहा है मोदी का, पहले नहीं बचता था, पहले नहीं बचता था मोदी का, राहुल का बचता था पहले, अब ये अभी ना आप गिनाता हूँ, सुनते रहिए, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, 1966 पता है आपको क्या था, बताइए ना, इन्हें कुछ नहीं पता, सभी कुछ मैं ही बता दूंगा आपको, आप मोदी जी की चाटुकारिता ही करेंगी, बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की, क्या अनपढ़ है, अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, ये आप पहले कहती मैं जवाब दे देता, आप सुन लीजिए, हाँ इन्होंने पत्रकारिता मोदी जी के स्कूल से अभी करी है 2014 में, जैसे मोदी जी की डिग्री का नहीं पता ना, इनका भी नहीं पता होगा, क्योंकि 2014 से अब तक कितनी पत्रकारिता हो गई, सुन लीजिए एक्सेप्ट करा, मैं जवाब देता हूँ, ये जो मैडम कह रही थी इनके पहले सवाल का जवाब करने की इज्जत दी थी, सुन लीजिए सुन लीजिए, 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है आपको पता है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे देश के प्रधानमंत्री ने, और सुनते रहिए, भारत देश के सम्मान में, महात्मा गांधी के सम्मान में 7 देशों की डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाएगी, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो जाकर देखिएगा कैसा उनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है, जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो उनको लेने के लिए स्वयं बराक ओबामा वहां पर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ठीक है, जो आप कहते हैं भारत की इज्जत, ये कहकर आप उन तमाम शहीदों को अपमानित करने का काम करती है, अब सुन लीजिए, अब भाई भाई पूरे देख, सुन लीजिए सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब वीडियो में देखें कि मैंने कितना बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक मिनट अब सुन लीजिए, एक मिनट, अब मैं आज आपको सबके, आप मैंने शुरुआत में बोला है ना, दीजिए मेरा फोन, मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सुनाता हूँ, अब मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाइए, शुरुआत में ये मैडम कह रही है कि मैंने बोला है, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कांग्रेस ने जाए दिले, मैं किसी पार्टी से हुई नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा, सुन लीजिए, अब आप अपने कान से सुनिए, उसको माइक लगा के सुनाइए पूरे सबको, सुन लीजिए यार, आप सबके पास रिकॉर्डिंग है, आप भी सुन सकते हैं, हाँ आगे करके देखिए, बिल्कुल देखिए आप आगे करके, मिल जाए तो, और आप सभी के पास वीडियो है, आप सभी सुन लीजिए पहले, भाजपाइयों को कहना झूठी बहस करने की आदत है, सुन लीजिए।